नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं डालिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन प्ले ग्रुप 2 क्लास 9। निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज पहाड़पुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेज नर्सरी 2-11। आईआईटी और नीट की तैयारी। आकाश ऑटो एजेंसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन, क्लासेज नर्सरी 2, 9 एंड 11। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे भदुली बाजार, आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी 2 क्लास 9th एंड 11। जीडी ग्लोबल स्कूल करतालपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन नर्सरी 2 क्लासेज 9th एंड 11। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने शनिवार को 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया। इस परीक्षा में आजमगढ़ के अर्पित यादव को जिले में पहला स्थान मिला है। यूपी बोर्ड परीक्षा हाई स्कूल में आजमगढ़ जिले में पहला स्थान पाने वाले अर्पित यादव डॉक्टर बनकर जनता की सेवा करना चाहते हैं। आजमगढ़ जिले के संजरपुर के प्रहलाद स्मारक इंटर कॉलेज के छात्र अर्पित यादव का कहना है कि प्रतिदिन 5 से 6 घंटे की तैयारी से यह सफलता हासिल हुई है। अर्पित यादव को 600 में से 582 अंक हासिल हुए हैं। अर्पित की सफलता पर अर्पित के माता पिता और बहन के साथ रिश्तेदार भी खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। एबीसी न्यूज से बातचीत करते हुए हाई स्कूल में आजमगढ़ जिले को टॉप करने वाले अर्पित यादव का कहना है कि नियमित 4 से 5 घंटे की पढ़ाई करता था। परीक्षा में अच्छे नंबर आने की उम्मीद तो थी, पर टॉप करने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। अंकित यादव डॉक्टर बनकर जनता की सेवा करना चाहते हैं। सोशल मीडिया कितना जरूरी के सवाल पर अर्पित यादव का कहना है कि सोशल मीडिया से बचना जितना जरूरी उतना ही जरूरत भी है, सोशल मीडिया के साथ रहना भी चाहिए। अंकित यादव ने बताया कि बहुत सी शिक्षा हमने YouTube के माध्यम से ग्रहण की थी, निश्चित रूप से हमारे लिए सोशल मीडिया बहुत उपयोगी साबित हुआ। एबीसी न्यूज से बातचीत करते हुए प्राइवेट नौकरी करने वाले अर्पित यादव के पिता अंगद यादव का कहना है कि बच्चों को पढ़ने के लिए एकदम फ्री किया गया था, इसके लिए पूरा सहयोग किया गया। अंगद यादव के 4 बच्चे हैं, जिनमें 3 बेटियां हैं और सबसे छोटा बेटा अर्पित यादव है, जिसे आज नाम रोशन किया है। अंगद यादव का कहना है कि हमने बेटे और बेटियों में कभी भी भेदभाव नहीं किया, यही कारण है कि सभी बच्चे पूरी मेहनत के साथ पढ़ते हैं और आज उसका परिणाम हमारे सामने है। अंकित यादव की मां सुनीता यादव गृहिणी है। बेटे की इस सफलता से मां काफी खुश नजर आ रही हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम अर्पित यादव है। मेरे पिताजी का नाम श्री अंगद यादव एवं माता जी का नाम श्रीमती अनीता यादव है। मैंने राधेश्याम पब्लिक स्कूल से अपनी पढ़ाई की है एवं आर्यल कोचिंग सेंटर से कोचिंग की है। मैंने हाई स्कूल यूपी बोर्ड परीक्षा में आजमगढ़ जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसमें मेरे गुरुजनों, मेरे भाई बहनों एवं माता पिता का काफी सहयोग रहा है। यूपी बोर्ड परीक्षा इंटरमीडिएट में आजमगढ़ के श्री दुर्गा जी इंटर कॉलेज के गौरव प्रजापति और अंकिता यादव को पहला स्थान मिला है। वहीं अंबारी के कमलाकांत यादव को भी टॉप 10 की लिस्ट में पहला स्थान हासिल हुआ है। एबीसी न्यूज से बातचीत करते हुए इंटरमीडिएट की परीक्षा में आजमगढ़ जिले में पहला स्थान हासिल करने वाली अंकिता यादव का सपना सिविल सेवा में जाने का है। नियमित 10 से 12 घंटे की पढ़ाई करने वाली अंकिता यादव के पिता महेंद्र यादव गांव के प्रधान हैं। अंकिता यादव का कहना है कि सिविल सेवा में जाकर सभी लोगों को जागरूक करने के साथ साथ सबकी सेवा करने का मौका मिलता है। सोशल मीडिया के प्रयोग के बारे में अंकिता यादव का कहना है कि सोशल मीडिया का थोड़ा बहुत प्रयोग करना चाहिए। अपनी बेटी की सफलता से गदगद पिता महेंद्र यादव का कहना है कि निश्चित रूप से बेटी की सफलता से आज बहुत खुशी मिल रही है। वहीं इंटरमीडिएट की परीक्षा में जिले में पहला स्थान हासिल करने वाले गौरव प्रजापति इंजीनियर बनना चाहते हैं।
नियमित 7 से 8 घंटे की पढ़ाई करने वाले गौरव प्रजापति का कहना है कि निश्चित रूप से इस सफलता से मुझे बहुत खुशी है। गौरव प्रजापति के पिता घनश्याम प्रजापति कुशीनगर जिले में प्रधानाचार्य हैं। एबीसी न्यूज से बातचीत करते हुए गौरव प्रजापति के चाचा हरिश्याम प्रजापति का कहना है कि नियमित रूप से भतीजा हमारा पढ़ाई करता था और निश्चित रूप से आज जिस तरह से जिले में पहला स्थान हासिल हुआ है, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। मैं इंटरमीडिएट की परीक्षा दी हूँ और मेरा आजमगढ़ में पहला स्थान है। कितना देर की तैयारी करती थी सफलता के लिए? सर 10 से 12 घंटे। क्या बनना चाहती हो? सर आईएएस। क्यों सिविल सेवा में क्यों जाना चाहती हूँ? सर सब मतलब सबकी सेवा करने के लिए और पढ़ाई के लिए जागरूक करने के लिए सबको। मेरी बेटी इंटरमीडिएट में आजमगढ़ में जिले में पहला स्थान है श्री दुर्गा जी इंटर कॉलेज से सियादा आजमगढ़ से। मुझे बहुत खुशी है, पहली रैंक मिली है जिसमें बहुत खुश हूँ और मैं बड़ा बनकर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। बड़ा हो गया इंजीनियर क्यों बनना चाहते हैं? सर उसी में दिलचस्पी है सर, मुझे वही अच्छा लगता है। कितनी देर की तैयारी करते थे पढ़ाई? 7 घंटे तैयारी करता हूँ। मैं गौरव चाचा हूँ और सर ये लगभग रोज ही पढ़ता था, 4-5 घंटे लगभग कंटिन्यू पढ़ता था। किस तरह का सहयोग रहता था आप लोगों का? बहुत अच्छा सहयोग, पूरा इसको छूट दी गई थी पढ़ने के लिए। शनिवार को यूपी बोर्ड परीक्षा का परिणाम जारी हुआ जिसमें प्रतिभा निकेतन विद्यालय के इंटरमीडिएट परीक्षा में प्रियांशु शर्मा 91.4%, पलक प्रजापति 90% एवं अभिनव वर्मा व आदित्य पांडे ने क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसी क्रम में हाई स्कूल में खुशी मौर्य 89.33% प्रथम, अनन्या यादव 88.33% द्वितीय, आस्था विश्वकर्मा 87.5% तृतीय एवं अनुष्का प्रजापति 84.16% अंक प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक रमाकांत वर्मा ने सभी बच्चों का हौसला बढ़ाते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की और कहा कि प्रतियोगिता और परीक्षा के माध्यम से कोई भी विद्यार्थी अपनी प्रतिभा को निखार सकता है। विद्यालय के प्रधानाचार्य ध्रुवचंद मौर्य ने कहा कि सभी बच्चों को मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद, जिन्होंने टॉप किया और जिन्होंने टॉप नहीं किया वे टॉप करने का प्रयास करें और इनसे सीखें। इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षक मनोज कुमार शर्मा, रमेश मिश्रा, राजेश तिवारी, प्रमोद कुमार, अरविंद यादव आदि लोग उपस्थित रहे। क्लास 10th में 89% आया है। ये श्रेय मैं अपने टीचरों को और अपने परिवार वालों को देती हूँ, वो लोग हमेशा हमारा सपोर्ट करते रहे हैं। आगे क्या चाहिए? आगे मैं मेडिकल लाइन में जाना चाहती हूँ। और अच्छे मार्क्स पाने के लिए किस तरह पढ़ाई करने की तैयारी करनी चाहिए? ऐसे मतलब जब आप पढ़ाई करें तभी सही है, बट जब पढ़ाई करें तब अच्छे से करें और मन से करें, कम ही पढ़े लेकिन मन से। पहली बार परीक्षा दिया थोड़ा डर था लेकिन तो पेशेंस रखे और कर। और मेरा यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में 91% आया है और इस सफलता का श्रेय मैं अपने माता पिता, अपने शिक्षकों को और उनको देना चाहूँगा जो जिन्होंने मुझे हर समय पर गाइड किया। और इसके आगे मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहता हूँ जिसके लिए मैं IIT तैयार करूँगा। एग्ज़ाम की तैयारी का मतलब यही है कि अगर आप किसी भी कार्य को अपनी पूरी डेडिकेशन और लगन के साथ करते हैं तो कोई भी कार्य आपके लिए कठिन नहीं रह जाता है, बस आप उसको पूरी लगन से करें। हाई स्कूल और इंटर का रिजल्ट आया है जिसमें बच्चों ने अपनी कड़ी मेहनत जो की थी उसका आज परिणाम सामने आया है। हमारे विद्यालय का रिजल्ट 100% है और हाई स्कूल में जो है खुशी मौर्य 89.33% पाकर के फर्स्ट पोजिशन क्लास में अपने प्राप्त की है। अनन्या यादव 88.33 है जो सेकेंड पोजीशन पे है। आस्था विश्वकर्मा 87.5 पाकर के अपनी क्लास में थर्ड पोजीशन पे है। अनुष्का प्रजापति 84.16 पाकर के फोर्थ प्लेस पे है। इसी तरह से इंटरमीडिएट में जो है प्रियांशु शर्मा 91.4% पाकर के अपनी क्लास में प्रथम स्थान, पलक प्रजापति 90% नंबर पाकर के अपनी क्लास में सेकेंड प्लेस, अभिनव वर्मा और आदित्य पांडे 89.4% पाकर के दोनों लोगों ने थर्ड प्लेस अपनी कक्षा में बनाया है। रौनक सिंह 89.89% पाकर के फोर्थ प्लेस बनाया।
हम उन सभी बच्चों को शुभकामना देते हैं कि वो भविष्य में इसी तरह मेहनत करते रहें और अपनी सफलता को प्राप्त करें। उन समस्त टीचरों को मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से इन बच्चों को पढ़ाया और आज बच्चों का रिजल्ट उनके सामने है। शनिवार को माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज उत्तर प्रदेश ने हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया, जिसमें सर्वोदय पब्लिक इंटर कॉलेज आजमगढ़ का परीक्षा परिणाम 100% रहा। विद्यालय में इंटरमीडिएट में 62 पंजीकृत छात्र छात्राओं में से सभी छात्र छात्राओं ने प्रथम श्रेणी में अंक प्राप्त किया। हाई स्कूल में 53 पंजीकृत छात्र छात्राओं में से सभी छात्र छात्राओं ने प्रथम श्रेणी में अंक प्राप्त किया। इंटरमीडिएट में कनकलता यादव ने 90.8% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान, अनामिका यादव ने 86.4% अंक प्राप्त कर द्वितीय स्थान, निर्जला कुमारी ने 85% अंक प्राप्त कर तृतीय स्थान, आदर्श यादव ने 85.6% अंक प्राप्त कर चतुर्थ स्थान और खुशबू यादव ने 85% अंक प्राप्त कर पांचवा स्थान प्राप्त किया है। हाई स्कूल परीक्षाफल में अर्णव शर्मा तथा अंजलि यादव ने संयुक्त रूप से 93.16% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान, हेना परवीन ने 90.83% अंक प्राप्त कर द्वितीय स्थान, हर्षिता यादव तथा सुशील यादव ने संयुक्त रूप से 87.33% अंक प्राप्त कर तृतीय स्थान, ज्वाला यादव ने 86.33% अंक प्राप्त कर चतुर्थ स्थान तथा मनीषा सरोज ने 83.66% प्राप्त कर पांचवां स्थान प्राप्त किया है। विद्यालय के बच्चों के उत्तम प्रदर्शन पर विद्यालय के संस्थापक प्रबंधक राजेंद्र प्रसाद यादव ने सभी अभिभावकों एवं बच्चों को बधाई दी है एवं विद्यालय की प्रधानाचार्या कंचन यादव ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए सभी शिक्षकों एवं बच्चों को उत्तम परिणाम के लिए बधाई दी। गुरुजनों और मैं अपने माता पिता को साथ दे सकते, क्योंकि जब मैं पढ़ने बैठा था तो वो लोग मुझे डिस्टर्ब नहीं करते थे, जो सारा काम मेरा भाई करता था मुझे मतलब फोर्स भी नहीं करता था कि तुम आके करो ये सब काम, तो उन लोगों को भी मेरा श्रेय जाता है। जब मतलब प्रथम दिन जब मैं गया पेपर देने तो मुझे थोड़ा सा गड़बड़ा लगा, उसके बाद फिर वहाँ पे भी लोग थे टीचर उचर वो लोग भी मतलब कह रहे थे कोई बात नहीं सब हो जाएगा, तो और मैं समय समय पर यहाँ पर आता था, डाउट सेशन लेता था, जो मतलब जब मैं घर पर पढ़ता था तो जो कुछ भी मेरे पास डाउट रहता था वो आके मैं स्कूल में कन्फर्म करता तो लोग पूरा बताते थे मुझे, यही कारण मेरा इतना परसेंट आया। मैं मतलब विद्यालय के सभी टीचर बहुत ही अच्छे पढ़ाते हैं, उन लोगों का मैं बहुत आभारी हूँ, यही कारण मेरा इतना परसेंट आया। और मैं अपनी माता पिता उन लोगों का भी बता दें क्योंकि उन्होंने भी मुझे इतना अच्छे इंस्टीट्यूशन में डाला ताकि मैं आगे और भी अच्छा पढ़ाई कर सकूँ। बस कुछ दिन बाद ही मैं एनडीए फाउंडेशन बैच ज्वाइन करने वाला हूँ, एनडीए नेशनल डिफेंस अकेडमी। बस 90.83% आया है। इस सफलता का श्रेय मेरे सारे टीचर्स और मेरे पेरेंट्स हैं, क्योंकि हम लोग को जो भी डाउट्स होते थे हम लोग अगर घर पे हैं तो वो लोग बोलते थे कॉल करके पूछ लो, किसी भी वक्त पूछ लो, और घर पे ऐसी हम लोग को प्राइवेसी दी जाती थी कि वहाँ पर बिल्कुल भी शोर ना, हम लोग अच्छे से पढ़ सकें। घर पे पढ़ने का समय अगर हमें अच्छे से पढ़ना है तो 5 घंटे बहुत हैं ओनली वन स्टडी के लिए। मुझे डर बिल्कुल नहीं लगा, जैसे कि लोग बताते हैं कि डर लगता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, ऐसा कुछ नॉर्मली जिस तरह हम लोग यहाँ पर होम एग्ज़ाम देते हैं एकदम ऐसा ही, बिल्कुल भी डर नहीं लगा। मेरा लक्ष्य मैं IPS बनना चाहती हूँ। सबसे बड़ा तो योगदान मेरे टीचर्स का है, मेरी संस्था का है और मेरे माता पिता का है, और जैसा कि सब जानते हैं इस सब में इन लोग का ही बहुत बड़ा योगदान रहता भी है, तो बस मैं सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ मेरे इस रैंक के लिए। मैं पढ़ाई करती थी पर ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ पढ़ाई करती थी, मैं उस साथ साथ में मैं हर एक्टिविटी में अपने स्कूल में आगे रहती थी। आप हमारे शिक्षकों से पूछ सकते हैं, मैंने स्कूल का ज़्यादातर जो कार्यक्रम होता है उसमें मैंने भाग भी लिया था। और अच्छे मार्क्स पाने के लिए आप जितनी भी देर पढ़ें कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ें, उसमें आप खुद के साथ कोई धोखा ना करें कि हम पढ़ रहे हैं बस पढ़ें, ऐसा ना हो। आप 2 घंटे ही पढ़ें, पूरे कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ें, आपका वो 2 घंटा ही बहुत काफ़ी होगा, और ऐसा मेरे साथ हुआ है इसलिए मैं सब बता रही हूँ। इसमें सबसे ज़्यादा हेल्प तो मेरे टीचर्स ने की, और मेरे टीचर्स जैसे मेरे मैथ के सुधीराम सर और बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री के टीचर्स,
और मेरे एक टीचर केमिस्ट्री के कोचिंग के थे, वो काफ़ी मददगार रहे हैं, उनका भी बहुत योगदान रहा, रजनीश सेन का नाम है। आगे जीवन में बस जो भी बनूंगी कुछ बेहतर बनना चाहूंगी और इससे अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहती हूँ, अपने लिए कुछ अच्छा करके अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहती हूँ बस। द्वारा उत्तर प्रदेश वार्षिक परीक्षा फल घोषित किया गया जिसमें सर्वोदय पब्लिक इंटर कॉलेज हरबंसपुर के सभी छात्र प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। विद्यालय का परीक्षा फल परिणाम 100% रहा जिसमें कक्षा 12वीं की छात्रा कनकलता 90.8% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान पर, आनामका आ यादव 86.4 अंक प्राप्त कर द्वितीय स्थान पर, निर्जला यादव 85.6 अंक प्राप्त कर तृतीय स्थान प्राप्त की है। वहीं हाई स्कूल में प्रथम श्रेणी में हमारे दो बच्चे आए हैं, अर्णव शर्मा एवं अंजलि यादव 93.16 दोनों बच्चों के सेम अंक प्राप्त हुए हैं। द्वितीय स्थान पे हिना परवीन 90.83 अंक प्राप्त कर द्वितीय स्थान प्राप्त की है। तृतीय स्थान पे हमारे दो बच्चे आए हैं, हर्षिता यादव एवं सुशील यादव 87.33 अंक प्राप्त कर बच्चों ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। विद्यालय के सभी बच्चों को तरफ से, अभिभावकगण को, हमारे अध्यापकों को, जिनकी मेहनत के परिणाम की वजह से बच्चे अच्छे अंक प्राप्त कर विद्यालय को गौरवान्वित किए, मैं सभी को धन्यवाद देती हूँ और विद्यालय हमेशा प्रयासरत रहेगा इसी तरह के परिणाम देने के लिए। आजमगढ़ पुलिस ने दो अंतर जनपदीय पशु तस्कर गिरफ्तार कर उनके पास से अवैध असलहा, कारतूस व नकदी बरामद किया है। 16 मार्च को वादी मुकदमा श्याम नारायण यादव पुत्र चौथी राम यादव साकीन सरफुद्दीनपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दिया कि अज्ञात चोरों द्वारा वादी मुकदमा की दो भैंस व एक पड़िया चुरा ले जाने के संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 87/2024 धारा 379 भादवी बनाम के पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना उपनिरीक्षक सौरभ कुमार सिंह द्वारा संपादित किया जा रहा है। शनिवार को उपनिरीक्षक धर्मेंद्र कुमार में हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान मुकदमा उपरोक्त से संबंधित प्रकाश में आए अभियुक्त सुभान पुत्र नजरुद्दीन निवासी बघरवारा थाना सरपथा जनपद जौनपुर उम्र 33 वर्ष अंसार पुत्र पप्पू निवासी लेदरही थाना खेताराय जनपद जौनपुर उम्र 22 वर्ष को माल गोदाम तिराहा मूसेपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास से दो तमंचा व चार जिंदा कारतूस 315 बोर एवं भैंस चोरी के शेष 1300 रुपए के साथ गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान माननीय न्यायालय किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि हम लोग जानवर खरीदने बेचने का काम करते हैं। हम लोग दिन में घूम फिर कर एकांत में बंधे हुए जानवरों की रेकी करते हैं और रात में चुरा ले जाते हैं। लगभग एक माह पहले हम दोनों व्यक्ति मिलकर एक भैंस, एक पड़िया जिसकी उम्र करीब 1.5 वर्ष और एक 1.5 माह का पाड़ा बच्चा सरफुद्दीनपुर सड़क के किनारे से चुरा ले गए थे। बेचकर सब पैसा हम दोनों लोग मिलकर खर्च कर दिए थे। सुभान द्वारा बताया गया कि उसी पैसों में से ये 700 रुपए मेरे पास बचे हैं, शेष खर्च हो गए। अंसार द्वारा बताया गया कि मेरे पास उसमें से केवल 600 रुपए बचे हैं। तमंचा कारतूस हम लोग पकड़े जाने पर लोगों को डराने व अपनी सुरक्षा के लिए रखते हैं। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज के अध्यक्षता में शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को सकुशल, निष्पक्ष, शांत ढंग से संपन्न करने के दृष्टिगत नामित किए गए नोडल एवं सहायक नोडल अधिकारियों के साथ बैठक की गई। जिलाधिकारी ने नोडल अधिकारी कार्मिक मुख्य विकास अधिकारी को मास्टर ट्रेनर, जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेट मतदान कार्मिक, मतगणना कर्मी के प्रशिक्षण को समय से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने महिला, युवा एवं दिव्यांग बूथों पर कार्मिक की तैनाती, माइक्रो ऑब्जर्वर, वीडियोग्राफर, वेबकास्टिंग हेतु कार्मिक की उपलब्धता एवं बूथ लोकेटर की तैनाती को समय से करने के निर्देश दिए। मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग कमेटी की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया प्रत्येक दिन मॉनिटरिंग की जाए तथा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन एवं आपत्तिजनक पोस्टर आदि की सूचना प्राप्त होते ही तत्काल अवगत कराया जाए। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों के वीडियो वैन की स्क्रिप्ट प्रमाणित करना, आपत्तिजनक पोस्ट की रिपोर्टिंग तत्काल सुनिश्चित कराई जाए।
उन्होंने कहा कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ को सूचनाएं प्रेषित करना कंप्लेंट रिड्रेसल एंड वोटर हेल्पलाइन डिस्ट्रिक्ट कॉन्टेक्ट सेंटर में प्राप्त शिकायतों का संतोषजनक उत्तर देना कॉल रिकॉर्डिंग चेक करना एनजीएसपी आईजीआरएस के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि नामांकन से मतगणना तक की शिकायतों के निस्तारण हेतु जिला शिकायत समिति का गठन किया जाए। जिलाधिकारी ने लेखन निर्वाचन सामग्री की समीक्षा करते हुए कहा कि सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के स्तर से दी जाने वाली सामग्री का चिन्हांकन मतदान पार्टी को थैले में दी जाने वाली सामग्री का चिन्हांकन प्राप्त होने वाली सामग्री लिफाफे की उपलब्धता स्थानीय स्तर पर क्रय की जाने वाली सामग्री की उपलब्धता मतदेय स्थल पर प्रयोग होने वाले प्रपत्रों की छपाई नामांकन में प्रयोग होने वाले प्रपत्र एवं सामग्री की तैयारी मतगणना में प्रयुक्त होने वाले प्रपत्र एवं सामग्री की उपलब्धता समय से सुनिश्चित कर लिया जाए। जिलाधिकारी ने लोकसभा सामान्य निर्वाचन में लगने वाले परिवहन व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कहा कि आवश्यकता के अनुसार हल्के एवं भारी वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। जिलाधिकारी ने आरटीओ को निर्देशित किया कि यदि प्राइवेट वाहनों के अधिग्रहण में वहां के स्वामियों द्वारा मना किया जाए अथवा देने से इनकार किया गया तो उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। एफएसटी एसएसटी एवं वीएसटी हेतु समय से वाहन उपलब्ध कराना एफएसटी एसएसटी के वाहनों में जीपीएस की उपलब्धता सुनिश्चित हो रूट चार्ट की तैयारी ईंधन की उपलब्धता एवं आरक्षण कम्युनिकेशन प्लान साइबर सिक्योरिटी एवं आईटी सेल आज तैयारी समय से कर ली जाए। उन्होंने कहा कि कम्युनिकेशन प्लान का परीक्षण प्रत्येक 15 दिन पर यूजर आईडी एवं पासवर्ड बदला जाए। जिलाधिकारी ने आयोग के मूल सॉफ्टवेयर ऐप के उपयोग की समीक्षा करते हुए कहा किसी विजिल पर आने वाली शिकायत का गुणवत्ता युक्त निस्तारण समय से सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए लो टर्न आउट वाले मतदेय स्थलों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाए। उन्होंने कहा कि मतदान से एक सप्ताह पूर्व स्वीप की कार्य योजना तैयार कर कार्यक्रम का आयोजन किया जाए। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता संबंधी कार्यक्रम तैयार किया जाए। कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि क्रिटिकल वल्नरेबल मतदान केंद्रों का चिन्हांकन सुरक्षा कर्मियों के ठहरने की व्यवस्था स्ट्रांग रूम मतगणना स्थल की सुरक्षा सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि ईवीएम वीवीपैट का प्रथम रैंडमाइजेशन के उपरांत विधानसभावार ईवीएम वीवीपैट अलग किए जाने की कार्ययोजना ईवीएम वीवीपैट भारतीय खाद्य निगम के गोदाम ले जाने की तिथि का निर्धारण एवं परिवहन की व्यवस्था ईवीएम की कमिश्निंग करने वाले कार्मिकों का प्रशिक्षण एवं कमिश्निंग करने वाले कार्मिकों का प्रशिक्षण एवं कमिश्निंग की कार्ययोजना ईवीए वीवीपैट डिस्पैच सेंटर ले जाने हेतु परिवहन एवं सुरक्षा व्यवस्था एवं वीवीपैट युक्त जोनल सेक्टर एवं मतदान टोलियों के ईवीएम वाहनों की ट्रैकिंग कंट्रोल रूम की स्थापना टेलीफोन कनेक्शन कंप्यूटर कार्मिक की व्यवस्था सुनिश्चित करें। आकाश ऑटो एजेंसी महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर करतालपुर बाईपास रोड आजमगढ़ महिंद्रा थ्री व्हीलर इलेक्ट्रिक पैसेंजर वाहन ट्रियो यारी ट्रियो ऑटो और ट्रियो प्लस एक बार चार्ज कीजिए और करिए 150 किलोमीटर तक का लंबा सफर बैटरी पर 5 साल की वारंटी इलेक्ट्रिक माल वाहक जोर ग्रैंड पीयू हाफ एसिड बैटरी में अल्फा सुपर और अल्फा कार्गो वाहन डीजल माल वाहन महिंद्रा जीतो डीजल थ्री व्हीलर माल वाहन अल्फा प्लस लोडर पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल अ सीबीएसई बोर्ड कोएड इंग्लिश मीडियम स्कूल अ प्लेस फॉर योर लवली किड्स इन योर नियर बाय विसिनिटी पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल फोकसेस ऑन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड academically, psychologically, as well as physically. It focuses on sports activity to bring best out of every child by training their minds and body for competitive environment. Admission open for playgroup to class 9th, CBSE Board. Niswa Girls College, Paharpur, Azamgarh ke sabse purane colleges mein se ek hai, jo 1938 se vigyan, vanijya, kala ke kshetra mein utkrisht shiksha pradan kar raha hai. इस नए कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT और NEET की तैयारी के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। उच्च अनुभव वाले शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति पूर्ण सुसज्जित कंप्यूटर लैब पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला 24/7 CCTV निगरानी पावर बैकअप न्यू एडमिशन के लिए फॉर्म और प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है तो जल्दी करें। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे निकट आरटीओ ऑफिस भदली बाजार आजमगढ़
ICSE बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब्स, इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, पूरे सिटी में वाहन की सुविधा, एडिशनल ओपन फॉर न्यू सेशन नर्सरी टू क्लास 9 एंड 11। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे, निकट RTO ऑफिस, भदली बाजार, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED TV, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़। सर्वोदया पब्लिक स्कूल निया RTO ऑफिस हरबंसपुर आजमगढ़, अफिलियेटेड टू CBSE। एडमिशन ओपन फ्रॉम क्लासेज नर्सरी टू 9 एंड 11, जहाँ है हाईली एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, एडवांस लैब्स, मैग्निफिसेंट लाइब्रेरी, ह्यूज प्लेग्राउंड विद लश ग्रीन कैंपस, सेपरेट ग्राउंड फॉर प्री नर्सरी, सेपरेट क्लासेस अवेलेबल फॉर गर्ल्स एंड बॉयज। वी आल्सो ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स, म्यूजिक, स्मार्ट क्लासेस एंड मेनी मोर फैसिलिटी अवेलेबल। डेलिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर मऊ रोड, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, प्ले ग्रुप टू क्लास 9। स्पेशल फीचर्स, स्मार्ट क्लास अवेलेबल, साइंस, कंप्यूटर लैब एंड लाइब्रेरी, इंडोर एंड आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, एक्सपीरियंस टीचर्स, मॉनिटरिंग विद CCTV कैमरा, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गिव योर चाइल्ड ए क्वालिटी एजुकेशन। डेलिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर मऊ रोड, आजमगढ़।